हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें अभी हम एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं जो चैप्टर 2 में हैं। और आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 2.6 जो कि चैप्टर 2 का है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। एक मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का, उसका जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट गिवन है वो 10^-29 कूलम मीटर, इतने मैग्नीट्यूड का गिवन है। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का हमने 1 मोल लिया, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इसका कितना लिया है हमने सब्सटेंस का? 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 × 10^23, ओके, जो कि एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो 1 मोल ले रहे हैं इसका हम, 1 मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या गिवन है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट गिवन है, कितना है वो? 10^-29 कूलाम मीटर, ओके। ये किसका है? 1 मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल का। और 1 मोल में कितने होंगे मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल हैं, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल का गिवन क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट 10^-29 कूलाम मीटर। अब आगे है इसमें, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। अब हमने वो मोल लिया सब्सटेंस का, मान लिया कि दिस इज द मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, उसे हमने पोलराइज्ड किया। पोलराइज देखिए, अभी हम नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को। अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, तो पोलराइजेशन क्या होता है? किसी भी मटेरियल में, कोई भी मटेरियल न्यूट्रल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेम होते हैं, उसमें जितने नेगेटिव होते हैं उतने ही पॉजिटिव होते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो जितने भी इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके इस एंड पर इकट्ठा हो जाता है और कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके इस एंड पर चला जाता है, जो रिपेल्ड होकर जो फील्ड के अलोंग हो जाता है। तो ये होता है जनरली पोलराइजेशन किसी भी सब्सटेंस का। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कोई भी अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो इस तरीके से, ठीक है, ये पोलराइजेशन कहलाता है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है फील्ड के अलोंग, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये ऐसे सेट हो जाता है फील्ड के अलाउंग, जितने भी अंदर इसके मॉलिक्यूल हैं। देखिए लास्ट में इसमें दिया है एज्यूम 100% पोलराइजेशन, तो यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे हमने पोलराइज कर लिए। अभी आगे पढ़ेंगे इस बात को, फिलहाल हम अभी यहीं पर हैं। अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, एक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाया इस मैग्नीट्यूड का, 10^6 वोल्ट पर मीटर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर दिया है। और इसके अंदर बहुत सारे होते हैं ये जो है मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये होता है अलाइनमेंट, है ना। तो एक मॉलिक्यूल जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो पी है ना, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से होती है। तो जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव हैं ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसके जो बीच में है ये वाला जो एंड है पूरा नेगेटिव इधर बचेगा और एक पॉजिटिव इस डायरेक्शन में बचेगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे? सारे न्यूट्रलाइज, ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, तो ऐसे ही जितने भी बीच में होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यही अलाइनमेंट कहलाता है इसका, है ना, डाइपोल्स का अलाइनमेंट। कोई भी जो मटेरियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से पड़े रहते हैं इसके, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से ये पड़े रहते हैं किसी भी सब्सटेंस पे जनरल फॉर्म में। अगर हमने इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये अलाइंड हो जाते हैं, तो जितना भी डायपोल मूवमेंट है वो अलोंग द फील्ड सेट हो जाता है। तो इस अलाइनमेंट में एक हीट निकलती है, जब भी ये अलाइंड होते हैं डायपोल्स, ये सभी क्या हैं? डायपोल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस के डायपोल हैं। जब ये अलाइनमेंट होता है इनका तो हीट रिलीज्ड होती है, ठीक है। अभी हमने ये इसको अलाइंड किया हुआ है, पोलराइज्ड किया हुआ है, ये वाली सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और सब्सटेंस को यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? पोलराइज्ड कर रखा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, जो ये पोलराइज्ड माना जाता है, देखिए जितने भी न्यूट्रलाइज्ड हैं उनको हमने हटा दिया। इस एंड पर नेगेटिव सेट हो गए और इस एंड पर पॉजिटिव सेट हो गए, तो इसी को कहते हैं हम नेट डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है हमें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक नेगेटिव ये, एक पॉजिटिव ये,
ठीक है, तो फील्ड के अलोंग ही हमको क्या मिल जाता है, डाइपोल मूवमेंट। तो ये होता है पोलराइजेशन, अभी हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यह है पोलराइजेशन। चलिए आगे बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 10^6 वोल्ट पर मीटर का, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल 60 डिग्री। यही पोजीशन तो गिविन थी, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने अचानक से 60 डिग्री के एंगल पर चेंज कर दिया, ठीक है। यही क्या है, सबस्टेंस ले लिया हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री पर यहाँ हमने अप्लाई कर दिया है, अब 60 डिग्री पर इसको चेंज कर दिया 60 डिग्री। तो P इसी डायरेक्शन में था, ठीक है, और P से कितनी डिग्री पर हो गया, अब ये 60 डिग्री पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ 60 डिग्री पर, ये कहें कुछ इस तरीके से। सभी मॉलिक्यूल्स का लेंगे, एक मोल है ये कंप्लीट, कितना है 1 मोल है, जो भी पोलराइज्ड किया है कितना सब्सटेंस लिया है, 1 मोल लिया है और इसको हमने पोलराइज्ड किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई किया उसको हमने सडनली चेंज कर दिया। फिलहाल जो स्टार्ट में माना था हमने वो कुछ इस तरीके से माना था, सब्सटेंस रखा है उसके पैरेलल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में हमने अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया, अब इसको 60 डिग्री पर यहाँ पे टर्न कर दिया अचानक से, ठीक है, तो जो P है उसके 60 डिग्री पर इसे घुमा दिया, तो फिर से P क्या होगा, उसी के अलोंग हो जाएगा, जितना भी P होगा वो फील्ड के अलोंग ही हो जाना है एट लास्ट। जैसे यहाँ फील्ड के अलोंग हो गया था P, तो फिर से ये फील्ड के अलोंग हो जाएगा P, जितना भी P है। P क्या है, नेट डाइपोल डाइपोल मूवमेंट एक मॉलिक्यूल का, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सबका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, फील्ड के अलोंग ही सेट हो जाना है एट लास्ट ये, तो ये फिर से अलाइनमेंट होगा, सारे मॉलिक्यूल्स हैं फिर से ये 60 डिग्री पर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे 60 डिग्री पर अलाइंड होंगे, तो फिर से एक हीट निकलेगी, वही हीट हमको कैलकुलेट करनी है इसमें। इसमें बोल रहा है एस्टीमेट द हीट रिलीज बाय द सबस्टेंस इन अलाइनिंग इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जब न्यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड में हम सेट कर देते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चेंज कर दिया 60 डिग्री से, तो जो डाइपोल मूवमेंट पी है वो भी उसी के फील्ड के अलोंग हो जाना है, मीन्स अलाइनमेंट भी फील्ड के अलोंग हो जाना है, तो उस डिग्री उस कंडीशन में जो हीट रिलीज्ड होगी उसे हमें बताना है, क्योंकि जब भी अलाइनमेंट होता है डाइपोल्स का तो हीट रिलीज होती है, जब भी ये कोलाइड करते हैं कुछ भी करते हैं व्हाटएवर, तो हीट रिलीज होती है जब भी अलाइनमेंट होता है, तो अलाइनमेंट फिर से 60 डिग्री पर होगा तो फिर से हीट निकलेगी, तो वो हीट हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी है अब फील्ड के अलोंग हो जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन से 60 डिग्री मैंने टर्न किया, तो ये जो P है ये पहली वाली डायरेक्शन वाला P था ये जो है, लेकिन अब कैसे हो जाएगा, न्यू डायरेक्शन में फील्ड के अलोंग ही हो जाएगा, जो P है डायपोल मूवमेंट है सारे मॉलिक्यूल्स का क्या किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, फील्ड के अलोंग ही हो जाएगा। तो दो सिचुएशन हो गई यहाँ पे, 1 और 2। तो हमें हीट एनर्जी पता करनी है जो रिलीज होती है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन में इसकी एनर्जी पता कर लेते हैं सिस्टम की। कैसे पता करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, क्योंकि ये डाइपोल है, पूरा डाइपोल मूवमेंट मिला हुआ है, तो पूरा वन मोल सब्सटेंस की यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, 1 मोल सब्सटेंस के जो डाइपोल मूवमेंट है उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जितने भी डाइपोल्स हैं ये। फिर सेकंड केस में हम डाइपोल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उनका हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी वही निकल जाएगी हीट की फॉर्म में, है ना, इस कंडीशन में एनर्जी निकालेंगे, इस कंडीशन में एनर्जी निकालेंगे, दोनों का चेंज निकाल लेंगे ना, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी या घटी होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब करेंगे ये। तो फर्स्ट कंडीशन में जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे U1, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी डायपोल की, पोटेंशियल एनर्जी ये हम पढ़ चुके हैं पहले, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, P.E। पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट, और डॉट ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो केस 1 में हम पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, -P.E। ओके, तो P.E माइनस क्या हो जाएगा, PE cos 0 डिग्री। सपोज फर्स्ट कंडीशन में P और E के बीच में तो 0 डिग्री ही था, क्योंकि अलाइंड थे ये, किसी भी हमने अप्लाई किया था पैरेलल, लेकिन अलाइनमेंट होने के बाद 0 डिग्री ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाता है, ये 60 डिग्री को इसे टर्न कर देते हैं, फिर हम 60 डिग्री पर निकालेंगे, फिलहाल 0 डिग्री पर निकाल रहे हैं यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, -PE, पी मल्टीप्लाई बाई ई। पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट, कितना गिविन है, 10^-29। ये एक मॉलिक्यूल का गिविन है,
लेकिन ये हम कंप्लीट वन मोल जो हमने लिया है सब्सटेंस का उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिए। अगर हमें P चाहिए, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यू वन निकालेंगे तो माइनस पी और ई मल्टीप्लाई पी ई, तो पी कितना है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का कितना है 10^-29 कूलम मीटर। कंप्लीट मॉलिक्यूल कितने हैं वन मोल में इतने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10^23। ओके, तो ये हो गया डाइपोल मूवमेंट किसका, ये पी जो है इस वन मोल का डाइपोल मूवमेंट, ये हो गया नेट डाइपोल मूवमेंट। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवेन है यहाँ पर, ए दिस इज हेयर 10^6 वोल्ट पर मीटर, दिस इज 10^6 वोल्ट पर मीटर। पूरी की पूरी यूनिट भी यहाँ पे एसआई सिस्टम में हो गई है, ठीक है, ये कूलाम मीटर में गिवन है, कूलाम मीटर। अब पी और ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यू वन कितना आएगा माइनस पी कितना है ये 10^-29 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मल्टीप्लाई बाई ई, ये वैल्यूज निकाल दे दी हैं गिवन है यहाँ पे, इनको पुट करना है, बस ध्यान रखना है आपको पी और ई इसे पुट करना है यहाँ यू वन में, ई कितना है इंटू 10^6। यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यू वन आएगा माइनस 6.022 इसे तो लिख ही लेते हैं, देखिए 0.6022 इसे हम हटा देते हैं, इसको एक राउंड फिगर में ले लेते हैं, ठीक है, ओनली 6 ले लेते हैं, मान लिया एनसीईआरटी में भी इसको 6 ले लिया गया है, 10^23 और 6 कितने हो जाएंगे 10^29, ये मिलके 29 हो जाएंगे और माइनस का 29 कितना हो जाएगा 0, मींस 10^0 हो जाएगा और 10^0 कितना होता है 1, तो माइनस 6 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी इसकी, यू वन कितनी है माइनस सिक्स जूल। ओके, यह है पोटेंशियल एनर्जी केस वन। अब ऐसे ही निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी इन केस टू, इसे हटा देते हैं हम यहां से। इन केस टू फिर से वही चीज है, यू टू कितना होगा माइनस पी डॉट ई, यहां एंगल कितना है P और E के बीच में 60 डिग्री से टर्न कर देते हैं इसे हम, तो P और E के बीच में एंगल माइनस पी ई कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो जितनी भी पहले थी इसका जस्ट हाफ कर देना है, बस ये समझ लीजिए। पी ई की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है कितनी है, वो माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स का हाफ कर देंगे माइनस 3 जूल आएगा, वैसे भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, पी कितना है दिस 10^-29 मल्टीप्लाई बाई दिस 6.022 इंटू 10^23। ओके, सो दिस इज पी इंटू मल्टीप्लाई बाई ई, ई कितना है दिस इज 10^6 डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन आएगा ही। ओके, यू टू इक्वल्स टू फिर से इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, कंप्लीट ले लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं यहाँ पे, ड्रॉप कर देते हैं, 6 इंटू 10^0 आएगा, फिर 1 माइनस चल ही रहा है अपॉन 2, माइनस 3 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इस केस में, माइनस 3 जूल। ओके, सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई है, ठीक है, तो यहां हम अगर देखते हैं चेंज निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जीज का, यू वन कितना है, यू वन इज गिवन माइनस, निकाल लिया हमने गिवन क्या है 6 जूल, और यू टू कितना है माइनस 3 जूल। अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करें, यू टू माइनस यू वन करें, तो यू टू कितना है माइनस 3 जूल, माइनस और ये माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा यू कितना है 3 जूल, जो कि पॉजिटिव है। इट मीन्स फाइनल में से इनिशियल को घटाया और वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 3 जूल बढ़ गई है पोटेंशियल एनर्जी। और जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है जब वो अलाइन हो जाएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, फिर से वही सिचुएशन आएगी और जितनी भी उसी हिसाब से हीट रिलीज होगी, है ना, तो एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस, तो इतनी हीट रिलीज होगी एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी इसने गेन की है
पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल गेन की है, यही क्या हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज्ड हो जाएगी। और यहाँ पे 100% पोलराइजेशन माना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, 100% पोलराइजेशन हमने यहाँ पर लिया है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, पोलराइजेशन हमने यहाँ पर ले लिया है। तो जो हीट कितनी रिलीज होगी, 3 जूल, 3 जूल हीट विल रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट रिलीज इन न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो सबस्टेंस इतनी हीट रिलीज कर देगा, 3 जूल हीट, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।